हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का जीवन व साहित्यिक परिचय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जीवन परिचय। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का जन्म सन 1894 ईस्वी में जबलपुर के खैरागढ़ नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता पुन्नालाल बख्शी तथा बाबा उमराव बख्शी साहित्य प्रेमी और कवि थे। परिवार के साहित्यिक वातावरण के प्रभाव के कारण ये बचपन में ही कविताएं रचते थे। बीए पास करते ही इन्होंने सरस्वती नामक पत्रिका में अपनी रचनाएं प्रकाशित करना प्रारंभ किया। बख्शी जी की प्रसिद्धि का मुख्य आधार आलोचना और निबंध लेखन है। सन 1969 में सागर विश्वविद्यालय से द्वारिका प्रसाद मिश्र तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा डीलिट की उपाधि से विभूषित किया गया। सन 1971 में इनका स्वर्गवास हो गया। अब हम पढ़ते हैं साहित्यिक परिचय। बख्शी जी द्विवेदी युग के प्रमुख साहित्यकारों में से एक हैं। बख्शी जी विशेष रूप से ललित निबंधों के लिए स्मरण किए जाते हैं। बख्शी जी ने सन 1920 से सन 1927 तक बड़ी कुशलता से सरस्वती नामक पत्रिका का संपादन किया। इन्होंने कुछ वर्षों तक छाया मासिक पत्रिका का संपादन किया। इन्होंने स्वतंत्रतावादी काव्य एवं समीक्षात्मक कृतियों का सृजन किया है। अब हम पढ़ते हैं इनकी रचनाएं। निबंध, कुछ बिखरे पन्ने, आलोचना, विश्व साहित्य, काव्य, सतदल, अश्रुदल। इस क्लास में हमने पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का जीवन व साहित्यिक परिचय पढ़ा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।